ये है 2000 रुपए का नया नोट जो बहुत जल्द आपकी जेब में होगा। इस नोट को जब आप रोशनी में देखेंगे तो आपको नोट में इस जगह पर 2000 लिखा हुआ दिखाई देगा जो ऐसे नहीं दिखता। लेकिन क्या 2000 के इस नए नोट में कोई चिप भी लगी हुई है जो आंखों को नहीं दिखाई देगी? 2000 के इस नोट में इस जगह पर सुरक्षा का धागा है जिसमें RBI भारत 2000 छपा हुआ है। जब आप इस नोट को टेढ़ा करेंगे तो इस धागे का रंग हरे से नीला होता जाएगा। लेकिन क्या इसमें कोई ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जो देश के किसी भी हिस्से में पहाड़ से लेकर मैदान तक और बीहड़ से लेकर भीड़ भाड़ तक नोट की लोकेशन का पता लगा देंगे? जल्द ही ATM और बैंक तक पहुंचने वाले इस नोट में इस खाली जगह पर महात्मा गांधी और 2000 का वाटरमार्क लगा हुआ है। लेकिन क्या इसके अलावा इस नोट में नैनो GPS चिप लगाई गई है जो जमीन से 120 मीटर नीचे तक नोट अगर गाड़ दिया जाए तो सरकार उसको खोद लाएगी? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि 2000 का नया नोट बाजार में आने के साथ ही फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया माध्यमों में एक चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। अब तक किसी भी कागजी नोट में चिप लगाने की बात नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा गरमाने लगी कि 2000 रुपए के नए नोट में नैनो GPS तकनीक वाली चिप लगी है। ये चिप क्या होती है, लगी है या नहीं लगी है, और अगर लगी है तो नोट में किस जगह लगी है, और क्या उस चिप को निकाला जा सकता है या फिर उसकी नकल कर नकली नोट बनाए जा सकते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए वो मैसेज जो बहुत तेजी से देश के करोड़ों मोबाइल तक पहुंच चुका है। इस मैसेज में लिखा है, काले धन को छिपा कर रखने वालों, आपके इलाज की तैयारी चल रही है, ये तो आप जानते ही हैं, पर अब सरकार स्वदेशी नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी में है। 2000 के नोट में NGT लगा है, यानी नैनो GPS चिप। ये चिप सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगी, इसको किसी पावर की जरूरत नहीं होगी और ये केवल सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा। हर नोट पर अलग अलग नंबर की जानकारी भी रहेगी जिससे किस जगह पर कितने पैसे हैं ये भी पता चल पाएगा। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला दावा यह है कि जमीन के अंदर 120 मीटर तक की गहराई तक सिग्नल मिलेंगे, यानी पैसा गाड़ कर रखने वालों की भी खैर नहीं है। दावा है कि ये जो हरे रंग की लाइन दिख रही है यही वो नैनो GPS चिप भी लगी हुई है। फेसबुक पर हर रोज नया दावा होता है, लेकिन ये दावा चौंकाने के साथ साथ बड़ा इसलिए है क्योंकि ये पूरे देश के साथ जुड़ा है। इस दावे का सच सामने आना जरूरी है क्योंकि 2000 का नोट हर घर का हिस्सा बनने वाला है। इसलिए हर इंसान ये जानना चाहता है कि सरकार बैंगनी और सफेद रंग का 2000 रुपए का जो नोट ला रही है, क्या उसको ट्रैक करने के लिए उसमें कोई GPS चिप लगाई गई है? इस खबर का सच जानने के लिए हमने साइबर एक्सपर्ट से पूछा, क्या नोट में चिप लगाना मुमकिन है? हमने जानकारों से पूछा कि GPS और नैनो GPS तकनीक के बीच फर्क क्या होता है। इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि GPS से क्या हो सकता है। GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आप हर रोज देखते हैं जब आप अपने मोबाइल पर कैब बुक कराते हैं, किसी जगह का पता ढूंढते हैं, GPS डिवाइस से सिग्नल मिलते हैं जो मैप पर उस जगह को दिखाते हैं। ट्रेन, जहाज, सेना, विज्ञान, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि नैनो GPS चिप क्या है और ये GPS से कितनी अलग है? चिप टेक्नोलॉजी कई साल पुरानी है। चिप टेक्नोलॉजी में चिप जो होता है वो आधार बनता है ना केवल जानकारी को एकत्रित करने का, बल्कि साथ ही साथ जानकारी को ट्रांसमिट करने का भी, तो कहीं ना कहीं वो जरिया बन जाता है।
तकनीक का पता तो चल गया, लेकिन दावा है कि नैनो चिप बिना किसी पावर के काम करेगी, मतलब नोट में पावर की तो कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर ये चिप काम कैसे करेगी? क्या नैनो जीपीएस की ऐसी कोई तकनीक है जो बिना पावर के काम करती है? अगर किसी भी 2000 रुपए के नोट में नैनो साइबर चिप लगेगी तो बुनियादी सवाल ये देखने के लिए कि वो चिप ऑपरेट कैसे करेगी, उसको कहीं ना कहीं पावर की आवश्यकता होगी। दूसरी बात, चलिए चिप आपने लगा भी दी, वो चिप को काम करने के लिए आवश्यक होगा कि वो एटलीस्ट किसी नेटवर्क के माध्यम से जानकारी ट्रांसमिट कर सके। अब वो नेटवर्क भारतवर्ष में कोई एक नेटवर्क तो है नहीं, लिहाजा इंटरनेट ही एकमात्र नेटवर्क होगा जिसके माध्यम से इस तरह की चिप अपनी संदेश को ट्रांसमिट कर सकती है। पूरे राष्ट्र भर में कोई एक नेटवर्क विद्यमान नहीं है जिसका इस्तेमाल इस तरह के माइक्रो नैनो चिप्स कर पाएं इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन इंडियन सेलुलर एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज महेंद्र के मुताबिक नोट के अंदर चिप लगाना मुमकिन है, कैसे उन्होंने वो भी बताया। देखिए, इतना पतला भी नहीं है ये कागज, और दूसरी बात क्या है कि जैसे आप होलोग्राफिक फीचर्स देखिए, अब यूरो पे होता है, काफ़ी करेंसीज दुनिया की हैं, डॉलर है, जैसे डॉलर मेटेलिक है, आप अगर मैग्नेट रखेंगे तो डॉलर मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेगा, राइट। सिमिलरली रुपी में अगर RFID चिप लगाना है, पतला RFID ऐसे टेक्निकली बिल्कुल पॉसिबल है। DND से जाते हैं तो आपका RFID होता है और एक्सटर्नल रीडर होता है, वहाँ से आप कहीं भी सिंगापुर जाएंगे तो आपको एक्सटर्नल रीडर वहाँ से जो कि उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो क्या ये सैटेलाइट से डिटेक्ट हो सकता है? ये सैटेलाइट से डिटेक्ट हो सकता है। एंड अब आप अगर कहें कि सैटेलाइट को हम ऐसे कैलिब्रेट कर दें कि वो इंटेंसिटी देख के रीड करे कि भी जहाँ पे से 500 नोट से ज़्यादा हैं उसको रीड करे, वो भी टेक्निकली पॉसिबल है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल ये कि क्या हर नोट में ऐसी नैनो चिप लगाना मुमकिन है? सरकार को 2000 रुपए का एक नोट छापने में 3.17 रुपए का खर्च आएगा। अब अगर इसमें चिप लगा दिया जाए तो खर्च 50 रुपए और भी बढ़ जाएगा, यानी ये काफी महंगा साबित होगा। सबसे जरूरी और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार रात जब देश के नाम संबोधन करते हुए 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया, उसके बाद रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने तमाम सवालों का जवाब देते हुए नोट के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन किसी ने ऐसी किसी चिप का कोई जिक्र नहीं किया। इसका डिजाइन अलग है, ये डिजाइन में भी हम इम्प्रूव किए हैं, सिक्योर डिजाइन फीचर्स लगे हुए हैं, इसलिए इनको कॉपी करना उतना आसान नहीं है। इसके बाद अगले दिन यानी बुधवार को हर अखबार में रिजर्व बैंक ने नए नोट का विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में नए नोट के बारे में 17 पॉइंट बताए गए हैं। नोट में स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मंगलयान तक के जगह जगह चित्र लगाए गए हैं, लेकिन इन 17 पॉइंटर में कहीं किसी चिप का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 2000 के नए नोट में ऐसी कोई नैनो जीपीएस चिप नहीं लगी हुई है। अगर वाकई कोई चिप इसमें लगी होती तो सरकार क्यों छिपाती? इस सवाल का जवाब शाम 5 बजते वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। जेटली ने साफ साफ कहा कि ये खबर कहां से आई वो नहीं जानते। High denomination currency like 2000 rupees will come with a GPS tracking system. There'll be a chip. देखिए, ये चिप वाली बात कहां से आई मुझे नहीं मालूम। इसलिए हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा ये मैसेज झूठा साबित हुआ है।